फ्रेंड्स, आज हम एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबिया फाइलम कॉर्डेटा की एक क्लास है। एम्फीबिया का नाम एम्फीबिया इसलिए रखा गया है क्योंकि ये नेचर में एम्फीबियस होते हैं। एम्फीबियस मतलब होता है कि ये ड्यूअल लाइफ जीते हैं। ये जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो दोहरा जीवन जीने के कारण इनको हम एम्फीबियस कहते हैं या एम्फीबिया कहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट हैं, मतलब शीत रुधिरधारी वर्टिब्रेट हैं। अब इनको शीत रुधिरधारी या कोल्ड ब्लडेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कोल्ड वेदर में श्लगिश होते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट बोलते हैं। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। अब आप देखिए, ये वाला पार्ट हेड कहलाता है और ये पूरा पार्ट ट्रंक कहलाता है। कई बार टेल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। जैसे फ्रॉग हैं तो उनमें टेल नहीं होगी, और कुछ एम्फीबियंस ऐसे होंगे जिसमें टेल प्रेजेंट होगी। क्लियर? एम्फीबियंस की स्किन स्मूथ होती है या रफ होती है, और इस पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको मॉइस्ट बना करके रखती है। जो एम्फीबियंस की बॉडी के ऊपर जो ग्लैंड होती है वो इसको मॉइस्ट बना के रखती है। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो एक्सोस्केलेटन तो क्या होता है, इसमें कई बार जो है वो डर्मल स्केल्स की फॉर्म में होता है, लेकिन वो डर्मल स्केल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्किन में एम्बेडेड रहते हैं। तो देखिए, वैसे तो इनकी बॉडी पर स्केल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो वो स्किन में नीचे की तरफ छुपे हुए रहते हैं। जैसे ये सिसिलियन है, इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो स्किन के नीचे की तरफ छुपे हुए रहते हैं। ओके? और एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है। ओके? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फिन्स की। तो इनमें पैड फिन एब्सेंट होते हैं। जैसे हमने फिशेस में पढ़ा था कि पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो होते हैं वो जोड़ी में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको पैड फिन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब पैड फिन्स एब्सेंट होते हैं। अनपैड फिन्स कभी कभी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो जो अब नेक्स्ट बात हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर लिम्स जो होते हैं, जो पाद होते हैं, वो दो जोड़ी होते हैं। देखिए आप, ये आगे जो दो जोड़ी दिखते हैं उनको फोर लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे दो जोड़ी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्स बोलते हैं। क्लियर? इनके अंदर लार्वल स्टेज में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और कई बार एडल्ट स्टेज जो होती है उसमें भी एक्सटर्नल गिल्स को देखा जा सकता है, वो लंग्स के अलावा होते हैं। तो जैसे कि ये नेक्ट्यूरस है, इस नेक्ट्यूरस में आप एक्सटर्नल गिल देख सकते हैं, और इसी के टाइप का एक और एग्जाम्पल होता है प्रोटियस, उसमें भी एक्सटर्नल गिल्स को देखा जा सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं स्कल की। तो जो एम्फीबियंस होते हैं इसमें स्कल डाइकोंडाइलिक होता है। इसमें दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेशन के लिए होते हैं, और इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एम्फीबियंस में लंग्स होते हैं। अब आप देखिए कि जब ये टेरेस्ट्रियल होंगे तब तो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, और जब ये पानी में रहते हैं तब रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, और जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं तो इनमें बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में लंग्स, बकोफेरेंजियल कैविटी, स्किन और लंग्स आते हैं। क्लियर? इनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। इनमें 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और हार्ट में साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टेरियस 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। इनकी किडनी मेसोनेफ्रिक होती है, और एलिमेंट्री केनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोएका कहते हैं। ओके? अब क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो इनके अंदर 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती है। जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और इनके अंदर वो कितनी होती है? 10 पेयर्स होती है। अब यहाँ जो हमने ये कैरेक्टर डिस्कस किए हैं, इसमें अभी जो नाम आता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? तो सबसे पहली बात तो आती है पोर्टल सिस्टम होता क्या है।
तो पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो वेन से स्टार्ट होता है, कैपिलरीज में एंड होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर को डिलीवर करता है। और क्यों करता है? इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब हार्ट में ब्लड के जाने से पहले वो कहाँ जाता है, लीवर में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हिपेटिक पोर्टल वेंस और कैपिलरीज का, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वीनस सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? अब ये हिपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी की लार्जेस्ट वेन होती है, और वो अपना ब्लड जो है स्प्लीन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से वो लीवर में डालती है। क्लियर? और हिपेटिक वेन जो होती है वो स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक के जंक्शन पर स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और स्प्लीन है वहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। क्लियर? तो इसीलिए हम लीवर में जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ये एक पोर्टल वीनस सिस्टम होता है जो लिविंग वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि हैगफिश, लैम्प्रे और मैमल्स को छोड़कर के सभी लिविंग वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और रीनल पोर्टल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड की सप्लाई रीनल ट्यूबुल्स को करता है, लेकिन कब करता है? जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एब्सेंट होता है या डाउन रेगुलेटेड होता है तब ये काम होता है। तो जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों ही वेल डेवलप होते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनमें किडनी मीजोनेफ्रिक होती है और यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। लार्वा और जो टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं जिनमें टेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि सेलामेंडर होती है उसमें टेल प्रेजेंट होती है, वो कैसे होते हैं? अमोनोटैलिक होते हैं। उनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है? अमोनिया। जबकि फ्रॉग और टॉट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं। क्लियर? अब एलिमेंट्री केनाल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है और जो कि क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है। क्रेनियल नर्व्स हमने पढ़ चुका है कि 10 पेयर्स होती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो ईयर होता है उसमें इंटरनल और मिडिल ईयर प्रेजेंट होता है। टिम्पेनम जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो मिडिल ईयर को कवर करती है। आईज होती है इसकी, उसमें आईलिड्स प्रेजेंट होती है और निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन भी इसमें वेल डेवलप होती है। और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है इसमें? 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। ओके, और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, मतलब पानी में स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है और उसके बाद में फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होकर के जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, और इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इनका लार्वा जो होता है जैसे फ्रॉग का लार्वा क्या कहलाता है? टेटपोल लार्वा कहलाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सोलोटल लार्वा भी प्रेजेंट होता है और जो टेटपोल लार्वा है वो भी हम देख सकते हैं इनके अंदर, तो इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का भी होता है। तो ये आज हमने एम्फीबियंस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।